तो अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके चौथे भाव में। चौथा भाव है हमारी भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि चौथा भाव आपका इंटरनल फीलिंग्स भी होती है, आपके दिल में क्या चल रहा है। काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का है और चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं कि हम अंदर से किसी चीज के लिए क्या फील करते हैं। जब केतु यहां आते हैं तो आपको एक अनचाहा सा डर दे देते हैं मन के अंदर, रिलेटेड टू दोज थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू फोर्थ हाउस। यानी हो सकता है कि आप अपने माता के बारे में बहुत चिंता करने लग जाएं, आपकी माता की सेहत पे भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, घर में आकर आपको चैन ही नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे बाहर जाना है, मुझे घर पे नहीं रहना, एक मन में बेचैनी सी बनी रहेगी, एक अनचाहा सा डर, बेचैनी, छटपटाहट, क्योंकि केतु एक बेचैनी देते हैं अंदर, किसी ना किसी चीज को ऐसा फील करवाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। चाहे कमी हो भी ना, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको कमी महसूस होने लगती है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप घर से दूर रहें, हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में ज्यादा समय बिताएं, हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट कर जाएं, जहां पे आप इस समय हैं वहां पर ना रह के कहीं और चले जाएं। प्रॉपर्टीज के मामलों में आपको इस समय जरा ध्यान रखना है कि कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप सावधान रहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा रैश डिसीजन कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। इसलिए सबसे बड़ी बात, जब भी केतु कहीं कर रहे होते हैं ट्रांसिट, तो आपको ये रखना है ध्यान कि आप कोई भी रैश डिसीजन उस पर्टिकुलर भाव के प्रति ना लें। और जैसा हमने कहा कि केतु जहां भी आते हैं वहां पे कमी की फीलिंग दे देते हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। तो यदि हम रिश्तों के हिसाब से देखें तो ये भाव माता का है, तो माता के साथ आपके रिश्तों में भी कमी आ सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है उनसे। और घर से तो आपको डिटैचमेंट फील होती ही रहेगी, उसी कारण से आप उसको चेंज करना चाहेंगे। और आप हो सकता है कि किसी फॉरेन लैंड में जाना चाहेंगे इस समय, आप कहेंगे मुझे इस कंट्री में ही नहीं रहना, तो वो आपकी मातृभूमि से भी आपको ये समय अलग कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको इस समय पर करनी है वो ये है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। यानी उदाहरण के लिए कि यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर कार है फॉर एग्जाम्पल, और आपके जो मित्र हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं उनके पास दूसरी कार है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है आपसे कंपेरिजन में, तो ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं कब ये लूंगा, मेरी वाली तो बहुत ही ओल्ड मॉडल है, मुझे ये चेंज कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपको उस समय चेंज करना आपके लिए ठीक ना हो, आपको उसके लिए लोन लेना पड़े, क्रेडिट्स लेने पड़े, और आप उसके अंदर फंसते जाएं क्रेडिट्स के अंदर। तो पहली चीज कि आपको ये फीलिंग नहीं लानी है अपने मन में कि मेरी चीज में कोई कमी है, आपको एक संतुष्टि की फीलिंग। देखिए केतु आपको यही सिखाने आते हैं कि आप संतुष्ट रहिए, कि आप सेटिस्फाइड रहिए। और क्योंकि राहु आपके दशम भाव से इस समय गोचर कर रहे हैं, तो सारा फोकस तो आपका अपने कार्य क्षेत्र में रहेगा, आपका फोकस इसी बात में रहेगा कि मेरा किसी ना किसी तरीके से सोशल स्टेटस इंक्रीज हो, कि आप कार्य में बहुत ज्यादा दक्ष हो। तो इसलिए आप अपने घर की तरफ भी कम ध्यान देंगे, और क्योंकि केतु हैं वहां पर तो आपको अलग भी करते हैं उस जगह से। तो इस समय पे आपको एक संतुष्टि की फीलिंग अपने अंदर लानी है, और संतुष्टि की फीलिंग जब आप तभी ला सकते हैं जब आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहे, जब आपका जो मेंटल बेंट ऑफ माइंड है वो अध्यात्म से जुड़ा हो। यदि आप आध्यात्मिक सोच रखते हैं तो कंपैरिजंस करना कम करते हैं और धीरे धीरे बंद ही कर देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए।
तो आपको थोड़ा वक्त अपने ऊपर निकालना है। आपके लिए भी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और अपनी माता से अपने रिश्तों में कमी ना होने दें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ड्राइविंग करते वक्त भी थोड़ा सावधानी बरतें। तो केतु का ये ट्रांजिट आपको संतुष्ट रहने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए धैर्य रखकर चीजों को अच्छे से सोच समझ के ही आप कोई डिसीजन लीजिए।